हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेखांकन शब्दावलियों के बारे में पढ़ा। मैंने कई महत्वपूर्ण लेखांकन शब्दावलियां गत दो वीडियो में आप लोगों को बताई है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इन लेखांकन शब्दावलियों को सही अर्थों में समझना बहुत जरूरी है, तभी हम आपके कौन सा लेखा शास्त्र विषय को बहुत सरलता से समझ सकेंगे। आज की इस वीडियो में भी हम कुछ लेखांकन शब्दावलियां ले रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन शब्दार्थों को समझने के लिए जरूरी है कि इनका सही अर्थ आपको आना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपके व्यापारिक प्राप्ताएं जो कि देनदार और अप्राप्य विपत्र से संबंधित है, व्यापारिक देताएं जो कि लेनदार देय विपत्र से संबंधित है, और डूबत ऋण जो कि देनदारों से संबंधित है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसको किस प्रकार से अपन समझें। आज की इस वीडियो में मैंने काफी विस्तार से एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को ये समझाया है, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आप लोगों को इसको सही अर्थ में समझ सकें। स्टार्ट करें आज की वीडियो। सबसे पहले अपन देखते हैं व्यापारिक आपके कौन सा प्राप्ताएं, ये व्यापारिक प्राप्ताएं क्या होती हैं इसको समझें। उसके पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्यापारिक प्राप्ताओं को हम देनदार और प्राप्य विपत्र के सम्मिलित योग को ही कहते हैं, यानी देनदारों को और प्राप्य विपत्र को अगर मिला लिया जाए तो यही व्यापारिक प्राप्ताएं कहलाती हैं। अब प्रश्न आ रहा है कि देनदार क्या है, प्राप्य विपत्र क्या है, इसका विस्तार से अपन पढ़ें। उसके पहले आप इस बात को जरूर समझ लें कि ये व्यापारिक प्राप्ताएं जो वर्ड आपके लिया गया, जिसको हम आपके कौन सा ट्रेड रिसीवेबल के नाम से भी जानते हैं, तो इस ट्रेड रिसीवेबल का क्या अर्थ है। व्यापारिक प्राप्ताएं जो कि आशय प्राप्य, व्यापारिक प्राप्य यानी प्राप्त होगी, अभी हुई नहीं है राशि, ऐसी राशि जो व्यापार को प्राप्त होगी, तो ये प्राप्य है, प्राप्त नहीं है। तो व्यापारिक प्राप्य से आशय उस राशि से, आपके राशि से है जो कि व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान व्यवसाय द्वारा माल विक्रय के संबंध में या सेवाओं प्रदान करने से आपके प्राप्य हो। यहां पर व्यापारिक प्राप्य से उस राशि से आपको लिया गया जो कि व्यापार की सामान्य क्रियाओं के दौरान हमने माल बेचा है या सेवाएं प्रदान करी हैं, उसके बदले जो आय हमको प्राप्त होनी है, जो हुई नहीं है, ऐसी आय जो माल विक्रय के बदले या सेवाओं के बदले हमें प्राप्त होनी है, ऐसी आय को ही हम व्यापारिक प्राप्ताएं के नाम से जानते हैं। और तो दो भागों में हम वर्गीकृत करते हैं, देनदार और प्राप्य विपत्र। अब इसको विस्तार से समझें, उसके पहले एक और आपको कौन सा बात इसमें याद रखनी है कि ये व्यापारिक प्राप्ताएं के अंदर आपके दोनों को अपन ने सम्मिलित किया है, ये व्यापार के लिए चल संपत्ति होती है। चल संपत्ति का अभिप्राय मतलब क्या है, चल संपत्ति का मतलब ये है कि ये अल्पकाल में प्राप्त होगी, और जब भी ये वर्ड आएगा अल्पकाल, इसकी अवधि होती है 12 महीने से कम की, 2 महीना 3 महीना 4 महीने की उधार के लिए अगर आपके कोई व्यवहार हुआ है तो वो अल्पकालीन होती हैं, और जो अल्पकाल में आपको आय प्राप्त होनी है वो सभी व्यापार की चल संपत्ति कहलाती है। अब इसको अपन विस्तार से समझें, उसके पहले आपको एक विनिमय विपत्र के बारे में समझना होगा। इसको ध्यान से देखें किस प्रकार से हम लोग इसको समझेंगे। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राम ने सीता को 50,000 रुपये का उधार माल बेचा है। इस व्यवहार में राम विक्रेता के रूप में है और सीता क्रेता के रूप में है। राम उधार विक्रय की राशि के बदले सीता से लिखित में एक स्वीकृति चाहता है। इसके लिए वह उसे एक लिखित में आदेश स्वरूप एक विपत्र लिखता है, जिसमें उधार की राशि, उधार की अवधि, प्राप्तकर्ता का उल्लेख, इसमें लेखक का नाम, पता, स्टाम्प मूल्य व स्वीकृता का नाम व पते का भी उल्लेख होता है। यह विपत्र माल के साथ क्रेता को भेज देता है। सीता माल प्राप्ति के पश्चात इस विपत्र को स्वीकृत कर
अपने व्यापार की स्वर्ण मुद्रा लगाकर राम को भेज देती है। सीता के विपत्र स्वीकार करते ही यह एक विनिमय विपत्र बन जाता है। यह अब एक वैधानिक प्रमाण है कि सीता ने राम से उधार माल खरीदा है और वह निश्चित समय पर रकम का भुगतान राम को या उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को भुगतान करेगी। यह विनिमय विपत्र राम ने लिखा, इसलिए वह विपत्र का लेखक है, और सीता ने इसे स्वीकार किया, इसलिए वह इस विपत्र की स्वीकर्ता है। राम के लिए यह विपत्र प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि विपत्र में लिखी हुई राशि निश्चित समय पश्चात सीता से प्राप्त होगी। और इसी प्रकार से सीता के लिए यह देव विपत्र बिल्स पेबल है, क्योंकि विपत्र में लिखी हुई राशि निश्चित समय पश्चात राम को भुगतान करनी है। तो अब आपको यह समझ में आया होगा कि उधार रकम के लिए इस लिखे गए विपत्र को ही हम प्राप्य विपत्र और देय विपत्र कहते हैं। अलग अलग पक्षकारों के लिए इसका अलग अलग मतलब है। अब इसको और आगे डिटेल से समझते हैं। अब समझते हैं देनदार के संदर्भ में देनदार किसे कहा जाए। जैसा कि अपन ने अभी पिछले उदाहरण में देखा कि देनदार शब्द उन व्यक्तियों और फर्मों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें हमने उधार माल बेचा है, जिन्होंने भुगतान न किया हो, देनदार से बकाया राशि भविष्य में प्राप्त होगी, यह व्यापार के लिए चल संपत्ति है। तो देनदार उन व्यक्ति व संस्थाओं को कहते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा है या उनसे उधार राशि हमारे को लेनी है। ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों को या उन संस्थाओं को हम देनदार कहते हैं। ये देनदार उधार विक्रय की रकम अल्पकाल में 2-3 महीने में 3-4 महीने में हमें आपके कौन सा भुगतान करेंगे, यानी इनसे प्राप्त होनी है। इस कारण से ये हमारे व्यापार के लिए देनदार है और ये राशि अल्पकाल में प्राप्त होगी, ये आय अल्पकाल में प्राप्त होगी, इसलिए ये व्यापार की क्या है, चल संपत्ति है। देनदार को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि मोहन को 50,000 रुपये का आपने माल बेचा है, तो मोहन व्यापार के लिए 50,000 रुपये से देनदार है, क्योंकि ये उधार का व्यवहार है। मोहन को माल दे तो दिया, वो पैसा कब देगा, उधार की अवधि जो निर्धारित हुई है 2 महीना 3 महीना 4 महीना जैसा भी आपके बीच में सौदा हुआ है, उतने महीने पश्चात वो उधार की रकम हमें देगा। इस कारण से मोहन हमारे लिए यानी व्यापार के लिए देनदार है, क्योंकि मोहन उधार की अवधि के पश्चात हमारे को कौन सा बकाया रकम देगा, जो कि उधार की अवधि होगी 2 महीना 3 महीना। तो मोहन भविष्य में हमारे को उधार की रकम, उधार विक्रय की रकम देगा, इसलिए वो व्यापार के लिए क्या है, देनदार। इसलिए देनदार को व्यापार की क्या बोला गया, चल संपत्ति। एक एग्जांपल और समझें कि राम को अगर आपने 1,00,000 का माल बेचा है, उसने 40,000 रुपये तुरंत दे दिए, तो अब बकाया कितने हैं, 60,000 रुपये। तो इसका मतलब राम हमारा देनदार कितने से बन गया, 60,000 रुपये से बन गया। और अगर मान लो उसको 1 महीने की उधार पर बेचा है, तो अब राम 60,000 रुपया 1 महीने की अवधि के पश्चात हमें देगा, इसलिए राम व्यापार के लिए देनदार है। कितने रुपए से, 60,000 रुपए से। तो देनदार मैं समझता हूं कि वह आपको बिल्कुल क्लियर होगा, उधार बेचे गए माल की राशि के लिए आपके देनदार शब्द का हम प्रयोग करते हैं। ये उस व्यक्ति या संस्था को कहा गया जिसे हमने उधार माल बेचा है। देनदार से संबंधित एक और लेखांकन शब्दावली है जिसे हम डूबत ऋण के नाम से जानते हैं। यह डूबत ऋण क्या है, देनदारों के ऋण की वह राशि जो देय तिथि पर प्राप्त नहीं हुई है और जिसके भविष्य में प्राप्त होने की कोई संभावना भी नहीं है, ऐसी राशि को ही हम डूबत ऋण कहते हैं और यह व्यापार के लिए क्या होती है, हानि होती है। जैसा कि अपन ने अभी पिछले उदाहरण में समझा
कि राम को 1,00,000 का माल बेचा, उसने 40,000 दे दिए और 60,000 रुपए की राशि से राम व्यापार का क्या बन गया? देनदार। अब अगर राम इस 60,000 में से कुछ रकम नहीं देता, 1 महीने बाद उसको देना है, परंतु अगर निर्धारित तिथि के पश्चात देनदार से राशि प्राप्त ना हो और भविष्य में प्राप्त होने की कोई उम्मीद भी नहीं हो, तो फिर ऐसी राशि को व्यापारिक पुस्तकों में डूबत ऋण में लिखकर उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये व्यापार के लिए हानि होती है। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में अपन समझें कि मोहन को 50,000 रुपये का हमने माल बेचा है, तो मोहन व्यापार के लिए 50,000 से देनदार है क्योंकि ये उधार बेचा था। अब बात आती है कि मोहन को जो उधार बेचा है वो हमें कब देगा? एक निश्चित अवधि, जो हमारा सौदा हुआ है 2 महीना 3 महीना, उतने महीने पश्चात उधार बिक्री की रकम वो हमारे को देगा, इसलिए वो हमारा देनदार है। पर जब ये उधार की अवधि भुगतान करने की आई, उसके पहले ही हमारे को ये पता पड़ा कि देय तिथि से पूर्व मोहन दिवालिया हो गया। ये दिवालिया का मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति की के दायित्व संपत्ति के तुलना में ज्यादा हो जाए, जबकि दोनों बराबर होते हैं, जितनी संपत्ति उतने दायित्व, पर अगर किसी व्यक्ति के दायित्व इतने ज्यादा हैं कि वो संपत्तियों के माध्यम से भुगतान नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्तियों को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो मोहन भुगतान तिथि से पहले दिवालिया घोषित हो गया, जबकि हमारे को उससे कितने रुपए लेने हैं? 50,000 रुपए लेने हैं, परंतु मोहन के दायित्व इतने ज्यादा हो गए कि उसकी संपत्तियों से वो भुगतान नहीं हो सकता, इस कारण हमारे को भी क्या उठा? नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको सूचना दी गई कि उससे 50% राशि ही प्राप्त हुई, लेने कितने थे? 50,000। अब केवल उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने दायित्व का 50% ही भुगतान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में 50,000 में से हमारे को कितने रुपए प्राप्त हुए? 25,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई, और 25,000 रुपए की राशि को क्या माना जाएगा? डूबत ऋण माना जाएगा। अब इस डूबत ऋण की राशि को प्राप्त होने की अब कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए न प्राप्त हुई राशि डूबत ऋण मानकर पुस्तकों में लिख दी जाएगी, इसको हानि माना जाएगा। तो डूबत ऋण देनदारों के ऋण की वो राशि है जो देय तिथि पर प्राप्त नहीं हुई है और न ही भविष्य में प्राप्त होने की कोई उम्मीद है। इस कारण से इस राशि को, इस डूबत ऋण की राशि को हम हानि मानते हैं और इसका लेखा पुस्तकों में हानि के रूप में किया जाता है। देनदारों को लेकर एक और शब्दार्थ आता है, जो अभी अपन ने पिछले उदाहरण में विस्तार पूर्वक पढ़ा, प्राप्य विपत्र, यानी बिल्स रिसीवेबल किसे कहा जाए। प्राप्य विपत्र के बारे में हम लोगों ने अभी क्या समझा कि एक विनिमय पत्र उस व्यक्ति के लिए प्राप्य विपत्र कहलाता है जो इसे लिखता है, यानी विक्रेता जिसने उधार माल बेचा वही अपने क्रेता के ऊपर एक बिल लिखता है उधार रकम के लिए, उस बिल को ही हम प्राप्य विपत्र कहते हैं। और यह प्राप्य विपत्र कब बनता है? जब वो बिल स्वीकर्ता यानी क्रेता उसको स्वीकार करके, स्वीकृत आपके करने के पश्चात वो बिल हमें दे दे, तो यह बिल हमारे लिए प्राप्य विपत्र है। अतः प्राप्य विपत्र शब्द उन आपके विनिमय विपत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जो देनदारों पर लिखे जाते हैं अथवा उनसे बेचान आपके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे विपत्र में लिखित राशि भविष्य को निश्चित तिथि पर या अल्पकाल में हमें प्राप्त होगी, इस कारण से ये प्राप्य विपत्र व्यापार की चल संपत्ति है। अल्पकाल में प्राप्य विपत्र में लिखी हुई राशि हमें प्राप्त होगी किससे? क्रेता से, देनदार से, स्वीकर्ता से। वो एक ही व्यक्ति है जिसको अपन ने बेचा है, यानी उसने खरीदा है, वो क्रेता है, उसने हमारा बिल स्वीकार करके हमको दिया, इसलिए वो स्वीकर्ता है, और बिल की राशि वो भविष्य में भुगतान करेगा क्योंकि वो हमारे व्यापार के लिए देनदार है, क्योंकि हमने उसको उधार बेचा है। तो वो उस उधार सौदे की लिखित स्वीकृति हमारे को दे रहा है, उस लिखित स्वीकृति को ही हम प्राप्य विपत्र कहते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि सोहन को 50,000 रुपए का उधार माल बेचा है, सोहन पर 2 महीने की अवधि का हमने एक विपत्र लिखा, यानी सोहन को 2 महीने की उधार पर हमने माल बेचा है, सोहन हमारा देनदार है, और हमने उससे ये लिखित में स्वीकृति ले ली एक विपत्र के रूप में,
जिसको हमने आदेश स्वरूप लिखा, किस पर? सोहन पर। कितनी अवधि का? 2 महीने की अवधि का। कितनी रकम का? 50,000 रुपए का। और ये विपत्र सोहन हमें स्वीकृत करके वापस लौटा देगा। तो जब वो स्वीकृत कर देगा तो ये विपत्र हमारे लिए प्राप्य विपत्र बन जाएगा। अब हमारे पास प्राप्य विपत्र के रूप में सोहन की एक लिखित सहमति है कि सोहन ने हमसे माल खरीदा, उसने माल प्राप्त किया, 2 महीने बाद वो 50,000 रुपए हमें या हमारे आदेशित व्यक्ति को देगा। इस लिखित स्वीकृति को ही हम प्राप्य विपत्र कहते हैं। और इस विपत्र में लिखी हुई राशि हमको अल्पकाल में 2 महीने की अवधि में प्राप्त होगी, इसलिए ये प्राप्य विपत्र भी व्यापार के लिए चल संपत्ति है। इसको लेकर पूरा चैप्टर आगे काफी डिटेल से दिया है, पूरा ही एक चैप्टर बना हुआ है अग्निमय विपत्र को, वहां पर भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अभी शब्दार्थ के तौर पर इतना ही समझना पर्याप्त है। अब एक और इसमें शब्दार्थ समझते हैं। जैसा कि अपन ने अभी स्टार्टिंग में देखा, व्यापारिक देताएं। व्यापारिक देताओं का मतलब क्या है? देताएं यानी वे सभी भुगतान जो आपको भविष्य में करने, व्यापार को जो भुगतान भविष्य में करने हैं वो सभी आपके व्यापारिक देताएं करने। और उसमें से भी हम अभी यहां पर जिन देताओं की बात कर रहे हैं वो है अल्पकालीन देताएं, यानी जिनको शॉर्ट टर्म पीरियड में आप उनको भुगतान करना है वो व्यापारिक देताएं। इसके स्पष्टीकरण को और समझते हैं कि ये कौन कौन से भुगतान हैं जो हमें अल्पकाल में करने। व्यापारिक देताओं को समझने के लिए इसको 2 भागों में मैंने इसमें वर्गीकृत किया है। इसमें 2 चीजों को सम्मिलित किया जाता है, लेनदार और देय विपत्र। इन दोनों को मिलाकर ही व्यापारिक देताएं बनती हैं। तो व्यापारिक देताओं को समझें पहले, यानी ट्रेड पेबल्स जिसको बोला गया, ये इंग्लिश टर्म भी आपको याद होनी चाहिए, व्यापारिक देताएं यानी ट्रेड पेबल्स। व्यापारिक देताएं वो राशि है जो व्यवसाय की सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं के अंतर्गत माल क्रय अथवा सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में देय राशि से संबंधित है। हमने किसी व्यक्ति या संस्था से या तो माल उधार खरीदा या किसी व्यक्तियों से सेवाएं प्राप्त करी परंतु भुगतान नहीं किया, तो उनको अल्पकाल में भविष्य में हमें इस रकम का भुगतान करना है। यही रकम हमारे लिए व्यापारिक देताएं कहलाती हैं। तो यदि हमने किसी से उधार माल खरीदा हो या किसी से उधार सेवाएं ली हैं तो इस प्रतिफल का भुगतान हम कब करेंगे? भविष्य में करेंगे। और इस भुगतान की राशि को ही क्या नाम दिया गया? व्यापारिक देताएं। इसको अपन वर्गीकृत करते हैं 2 पार्ट में, जिसमें लेनदार और देय विपत्र इसमें सम्मिलित हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। और ये अल्पकाल में व्यापार को भुगतान करना है, इसलिए ये व्यापार के चल दायित्व हैं, जिसको करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका ये संबंध आपको आगे बहुत काम आएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। अब सबसे पहले समझते हैं कि लेनदार किसे कहा जाए। तो लेनदार का यहां पर क्या अभिप्राय है, ये हमने पिछले उदाहरण में काफी विस्तार से पढ़ा है, पर फिर मैं आपको यहां समझा रहा हूं। लेनदार शब्द उन व्यक्ति या फर्मों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनसे उधार माल खरीदा गया हो परंतु जिन्हें भुगतान नहीं किया गया। इन लेनदारों को बकाया राशि का भुगतान आपके करना होगा। और लेनदार व्यापार के क्या होते हैं? चल दायित्व होते हैं, क्योंकि इन्हें अल्पकाल में हम भुगतान करेंगे, 2 महीना 3 महीने के अंदर। ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के नहीं होते लेनदार, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही बाजार से अपन को उधार माल मिलता है। तो उस अल्पकाल की अवधि में ही हमें उन संस्थाओं को, उन व्यक्तियों को जिनसे उधार माल खरीदा है, भुगतान करना है। तो ऐसे व्यक्ति और संस्थाओं को हम क्या बोलेंगे? लेनदार। ये अल्पकाल में हमसे रकम लेंगे, इस कारण से ये लेनदार। अब एक उदाहरण के द्वारा समझ लें। मोहन से 50,000 का माल खरीदा है तो मोहन व्यापार के लिए लेनदार है, क्योंकि हमने उधार खरीदा है, पेमेंट नहीं किया। तो मोहन को भुगतान कब करेंगे? भविष्य में करेंगे, अल्पकाल में करेंगे, 2-1 महीने की अवधि में करेंगे। इसलिए मोहन हमारे व्यापार के लिए क्या बन गया? लेनदार। अब बात करते हैं कि इसके अंदर एक एग्जांपल और देखें कि राम से 1 लाख का माल खरीदा है, उसे 40,000 तो तुरंत दे दिए, शेष कितने बचे? 60,000 रुपए।
और ये कब देंगे, एक महीने बाद देंगे। तो राम हमारा लेनदार बनेगा 60,000 रुपए से, क्योंकि राम को 60,000 रुपए एक माह पश्चात हमको चुकाना है, इसलिए राम व्यापार के लिए लेनदार है 60,000 रुपए से। तो मैं समझता हूं अब ये लेनदार के संदर्भ में भी आपको याद रहेगा कि हमने अगर उधार माल खरीदा है, किसी से सेवाएं उधार ली हैं, तो बदले में प्रतिफल का भुगतान अगर हम अभी नहीं कर भविष्य में करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति या संस्था हमारे लिए क्या बन जाएगा, लेनदार। और ये लेनदार व्यापार का चल दायित्व है, करंट लायबिलिटी, अल्पकाल में भुगतान करना है, एक दो महीने के अंदर, दो तीन महीने के अंदर भुगतान करना है। लेनदारों से संबंधित एक शब्दार्थ और आता है देय विपत्र। जिस प्रकार से देनदारों से हमने लिखित स्वीकृति ली और वो लिखित स्वीकृति हमारे लिए प्राप्य विपत्र बनी, उसी प्रकार से हमारा लेनदार हमसे लिखित स्वीकृति लेगा, यानी हम लिखित स्वीकृति देंगे किसको, लेनदार को, तो यही लिखित स्वीकृति कहलाती है देय विपत्र, यानी बिल्स पेबल। एक विनिमय आपके पत्र उस व्यक्ति के लिए देय विपत्र कहलाता है जो इसे स्वीकृत करता है और स्वीकृत करके उसके लेखक को भेज देता है। अतः देय विपत्र शब्द उन विनिमय विपत्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जो लेनदारों के पक्ष में स्वीकृत किए जाते हैं। ऐसे विपत्र में लिखित राशि भविष्य में निश्चित तिथि पर क्या करनी होती है, दे करनी होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, देय विपत्र। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे कि सोहन से 50,000 का हमने उधार माल खरीदा है। सोहन ने दो महीने की अवधि का एक विपत्र 50,000 रुपए का लिखा, जिसे सोहन ने माल के साथ हमें भेज दिया। देखो इस पूरे घटनाक्रम को समझें, सोहन से हमने उधार माल खरीदा है 50,000 रुपए का। उधार का मतलब है कि हम पेमेंट अभी नहीं करेंगे, इस शर्त पर खरीदा है। और ये कितनी महीने की अवधि मिली हमारे को, दो महीने की अवधि मिली है। तो सोहन ने क्या किया, हमारे से एक लिखित स्वीकृति मांगी कि भाई आप ये लिखकर दें, लिखकर स्वीकृत करके दें कि आपने हमसे माल खरीदा है। और इस कारण से सोहन ने व्यापार पर दो महीने की अवधि का 50,000 रुपए की राशि का एक विपत्र लिखा, जो कि माल के साथ हमें भेज दिया, यानी व्यापार को भेज दिया, जिसे व्यापार स्वीकृत करके सोहन को लौटा देगा। तो ये जो लिखित आपके स्वीकृति आपने सोहन को दी है, ये लिखित स्वीकृति व्यापार के लिए देय विपत्र कहलाएगी, बिल्स पेबल कहलाएगी। यही विपत्र सोहन के लिए प्राप्य विपत्र होगा, क्योंकि इस विपत्र की राशि हम भुगतान करेंगे, व्यापार भुगतान करेगा सोहन को, इसलिए ये देय विपत्र हमारे लिए है और सोहन को ये रकम, आपकी रकम भविष्य में प्राप्त होगी। तो यही विपत्र सोहन के लिए क्या बन जाएगा, प्राप्य विपत्र। तो एक निश्चित अवधि जो कि दो महीने की है, उसके पश्चात 50,000 रुपए हमें सोहन को भुगतान करने हैं। इस प्रकार की लिखित स्वीकृति हमने विपत्र के रूप में सोहन को दी है, तो ये लिखित स्वीकृति हमारे लिए देय विपत्र है, बिल्स पेबल है। हम इसकी राशि दो महीने पश्चात 50,000 रुपए सोहन को उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति को या उसको भुगतान करेंगे। इसी आपके विपत्र को हम देय विपत्र कहते हैं। और ये देय विपत्र यानी बिल्स पेबल आपके कौन सा टर्म, मैं समझता हूं कि अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। तो हमने आज पढ़ा देनदारों और लेनदारों से संबंधित ये कुछ टर्म्स, इनके सम्मिलित आपके कौन सा योग को हम आपके व्यापारिक देताएं, व्यापारिक प्राप्ताओं के नाम से जानते हैं। अब जो नेक्स्ट आपके वीडियो में लेकर आ रहा हूं, इस नेक्स्ट वीडियो में भी लेखांकन शब्दावलियां ही हैं, क्योंकि लगभग 31 लेखांकन शब्दावलियां हैं जिनका सही अर्थ आना चाहिए। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापार में संपत्तियां किसे कहा जाए, संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, इनको पूरा विस्तार से मैंने अगली वीडियो में आपको बताया है, संपत्ति व संपत्तियों के प्रकार। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर से देखें, और जो नए हमारे व्यूअर्स हैं
जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।